नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान जो कोऑपरेटिव बैंक, उसका रिजल्ट 20 तारीख से सभी वेट कर रहे हैं। सबको रिजल्ट 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 यही ये चल रहा है। जो ग्रुप है अभी टेलीग्राम पर, उसमें भी सभी को बस रिजल्ट ही की लग रही है। तो कब रिजल्ट आएगा, तो अब बता देता हूँ मैं आपको। तो जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की जो साइट है रिक्रूटमेंट की, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की, उस पर देखो 10 दिसंबर के बाद में कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, 10 दिसंबर के बाद जो हैंड आउट हुआ था जारी 11 दिसंबर और 10 दिसंबर को, उसके बाद कुछ अपडेट नहीं हुआ है। और नीचे देखिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, डेली अपडेट हो जाता है कि आज साइट अपडेट हुई है, जबकि कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। फिर रिजल्ट में देखते हैं, तो रिजल्ट में देखो कुछ नहीं दिखा रहे। ठीक है, रिजल्ट पर क्लिक करने से कुछ नहीं आ रहा। तो कब जारी होगा रिजल्ट, उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो रिजल्ट जो जारी होगा वो हो सकता है कि जो अब ये वीक है, कल से 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक, इसमें रिजल्ट जारी हो जाए। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो राजस्थान सरकारी भर्ती बोर्ड है, रिजल्ट इनके पास है, क्योंकि IBPS इतने दिन नहीं लगाता रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो जो IBPS है, उन्होंने शायद जो राजस्थान सरकारी भर्ती बोर्ड है, इनको रिजल्ट भेज दिया है। अब ये कब जारी करेंगे ये इन पर डिपेंड करता है। तो अभी देखिए रिजल्ट करने से कुछ नहीं आ रहा, तो रिजल्ट का इंतज़ार सभी को है। कब कैसे सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं रहने वाली, और रिजल्ट कब आएगा इसका वैसे कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जो सबसे एक्सपेक्टेड जो अभी वीक है, कल से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, उसमें आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, लेकिन कोई पक्का नहीं है कि रिजल्ट इसी वीक में आए, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास रिजल्ट है, IBPS जारी नहीं करेगा रिजल्ट। IBPS ने राजस्थान सरकारी भर्ती बोर्ड को दे दिया है, अब वो कभी भी जारी करें वो उन पर डिपेंड करता है। तो रिजल्ट का वेट सभी को है, जब रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि रिजल्ट PDF फॉर्म में आएगा। और जो मेरिट वाइज रैंकिंग वाइज जहाँ तक है, रैंकिंग वाइज जो कैंडिडेट है उनके नेम आएंगे। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी पर। और रिजल्ट का वेट खत्म होने वाला है जल्द, ये मैं आपको बता सकता हूँ।